हे महादेव, आप तो जानते हैं कि मैं श्रीनिवास से कितना प्रेम करती हूँ। उन्हें पाना मेरा स्वप्न था और अब मेरा स्वप्न वास्तविकता में परिवर्तित हो गया है। अब बस इसी प्रकार मैं उनका प्रेम भी पाना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे क्या करना है कि मैंने सोच भी लिया है। बस यही प्रार्थना है कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा मैं चाहती हूँ। राजकुमारी, आप प्रातःकाल मंदिर में पूजा करने चली आईं? कोई विशेष बात है? आज विशेष दिवस है। आप तो बहुत प्रसन्न दिख रही हैं। ऐसा क्या विशेष होने वाला है आज? मैं बस प्रसन्न हूँ कि श्रीनिवास की इच्छा का मान रख के मैंने उन्हें प्रसन्न कर दिया है। वो भार्गवी को खोजना चाहते थे, अब मैंने अपने श्रेष्ठ रक्षक भेजे हैं उसे खोजने के लिए। बस आशा करती हूँ कि जिस प्रकार मैंने उनकी इच्छा का मान रखा है वो भी मेरी इच्छा का मान रखेंगे। किंतु क्या आपको विश्वास है कि श्रीनिवास आपकी इच्छा स्वीकारेंगे? मैंने भार्गवी को ढूंढने का वचन इसीलिए दिया है ताकि मेरा और श्रीनिवास का संबंध आगे बढ़ सके, मैं उन्हें प्रसन्न कर सकूं। अन्यथा भार्गवी कहाँ है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो बस भार्गवी की इस बात का सहारा लेकर श्रीनिवास से अपनी बात मनवाना चाहती हूँ। अद्भुत राजकुमारी, हम भी यही सोच रहे थे कि आपने अपने श्रेष्ठ रक्षक क्यों उसे ढूंढने के लिए भेजे होंगे, किंतु अब सब समझ आ गया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र ही श्रीनिवास का प्रेम भी जीत लेंगी। केवल श्रीनिवास का प्रेम ही नहीं रखना, मैं ये भी सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि अब मेरे और श्रीनिवास के बीच कभी कोई ना आए। मेरा विश्वास करो, सब ठीक होगा। मैं जानती हूँ आप मेरी सहायता करना चाहती हैं भार्गवी ताई, किंतु मैं आई को अच्छे से जानती हूँ, वो कभी नहीं मानेंगी। मुझे नहीं लगता कि आपकी इस योजना का कोई फल निकलेगा। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ गौरी। आई ने मुझे भी तो गांव से निकाल दिया ना, केवल इसलिए कि जिसे मैं अपना पति मानती हूँ वो मेरे साथ नहीं है। किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि आई को प्रेम पर विश्वास नहीं है या वो प्रेम के विरुद्ध है। गौरी, प्रेम का संघर्ष हमें प्रेम से ही जीतना होता है, इसलिए मैं आई के पास जाऊंगी और उन्हें प्रेम से समझाऊंगी कि तुम शंकर से प्रेम करती हो और उसी से विवाह करना चाहती हो। मुझे आशा है कि आई अवश्य समझेंगी, क्योंकि प्रेम ही एक ऐसी भाषा है जो सबको समझ में आती है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो पश्चिम दिशा की ओर जा रहे थे ना? जी राजकुमार। उसी मार्ग का अनुसरण करते करते हम यहाँ पहुंच गए। कदाचित मानचित्र दिखने में हमसे कोई भूल हो गई। भूल हो गई? अब तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे। हम उत्तर दिशा की ओर ही गए थे राजकुमार, परंतु मार्ग भटक गए। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मूर्खों को ये कार्य सौंप कर भूल कर दिए मैंने। ये वासु और वासु के रक्षक किसी काम के नहीं है। ये सब तो अब तक गोल गोल एक ही स्थान पर चक्कर काट रहे थे, ऐसे कैसे ढूंढ पाएंगे ये भार्गवी को? धीरज रखो गोविंदराज, वासु को कदापि नहीं पता चलना चाहिए कि हम उसका अनुसरण कर रहे हैं, नहीं तो मैं अपनी पुत्री तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। जितना मैं वासु को जानता हूं, भार्गवी को ढूंढने में उसका क्रोध ही उसे विचलित कर देगा और वो हमारे हित में होगा। और मेरी पुत्री भार्गवी इस समय जहां भी होगी केवल वासु ही उसे ढूंढने में मेरी सहायता करेगा। यदि आई नहीं मानी तो? हाँ भार्गवी ताई, तो आप करना चाहती हैं वो योजना उल्टी भी तो पड़ सकती है। यदि आई ने हमें काम के साथ साथ गांव से भी निकाल दिया तो?
यदि आई ने मेरी बात नहीं मानी तो तुम इस भांति रहना कि तुम दोनों मुझे जानती ही नहीं हो, किंतु यदि वो मान जाती हैं तो तुम और शंकर पूर्ण जीवन साथ में व्यतीत कर पाओगे। और तुमने तो कहा था ना कि हमारी पीड़ा एक है, इसलिए हम मित्र हैं। अपने प्रेम को खोने की पीड़ा क्या होती है ये मैं भली भांति जानती हूँ, उसका प्रत्येक क्षण मैं अनुभव कर रही हूँ। और मैं नहीं चाहती कि तुम भी वो दुख अनुभव करो। बस मुझे एक अवसर दो आई से बात करने का। मेरे मस्तिष्क में केवल भय है भार्गविताई, किंतु मेरे हृदय में विश्वास, विश्वास आपके प्रति। आपको जो उचित लगे आप वही करिए। मैं जानती हूँ आपका प्रेम पवित्र है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हें तुम्हारा प्रेम तुम्हारा शंकर अवश्य मिल जाएगा। मैं पहली प्रहर की पूजा आरंभ होने से पूर्व लौट आऊंगी। अब तुम शीघ्र घर जाओ, ठीक है? जाओ जाओ। हे नारायण, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होगी। आशा है कि मैं गौरी और शंकर को एक कर पाऊं। ये सब क्या है पद्मावती? ये सब आपके लिए है श्रीनिवास। वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। आइए। श्रीनिवास, आपने कहा था ना कि हमारे इस नए संबंध को स्वीकार करने के लिए आपको समय लगेगा, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम इस राजमहल से कहीं दूर चले जाएं, थोड़ा समय एकांत में व्यतीत करेंगे एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और फिर हमारे इस संबंध को आगे बढ़ा पाएंगे। मैंने ये भी कहा था पद्मावती कि जब तक मुझे ज्ञात नहीं होता कि भार्गवी सुरक्षित है या नहीं, ठीक है या नहीं, तब तक मेरा मन कहीं नहीं लगेगा। जानती हूँ, और इसीलिए मैंने अपनी पत्नी होने का धर्म भी तो निभाया ना। आपकी इस इच्छा का मान रखा मैंने, भार्गवी को ढूंढने के लिए सैनिक भेजे। तो क्या आप मेरी इच्छा का मान नहीं रखेंगे? बस कुछ दिवस एकांत में बिताने के लिए तो कह रही हूँ आपसे। जैसे ही भार्गवी के विषय में कोई भी सूचना आएगी, हम उसी क्षण लौट आएंगे। ठीक, किंतु जैसे ही भार्गवी के विषय में सूचना मिलेगी हमें लौट कर आना होगा। निश्चित रूप से। अब मैं जाने के प्रबंध करती हूँ। जिस स्थान पर हम जाने वाले हैं ना, वो एक अति सुंदर स्थान है। वहां से तो लौटने का मन ही नहीं करेगा। आप देखिएगा, मुझे विश्वास है आपको भी वो स्थान बहुत अच्छा लगेगा। मुझे विश्वास था श्रीनिवास कि मैं आपको मना ही लूंगी। अब भार्गवी की ना ही कोई सूचना आएगी और ना ही हमें वहां से लौटना पड़ेगा। आप मेरे हैं श्रीनिवास, और सदैव मेरे ही रहेंगे। अब भार्गवी का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं होगा।